15 दिन पहले किसान को छुड़ाने गए उसके बेटे की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी, ऐसा आरोप परिवारजन द्वारा लगाया जा रहा है। इसको लेकर आज कोई उचित कार्रवाई नहीं करने पर परिवारजन खुद मौन धरने पर बैठ गए। उज्जैन के थाना नीलगंगा में करीब 15 दिन पूर्व सुभाष यादव नामक किसान को पुलिस बिजली बिल के चक्कर में थाने ले आई थी और लॉकअप में बंद कर दिया था। रात में जब साथी राहुल और किसान के पिता किसान को थाने छोड़ाने आए थे तो थाने पर किसान के साथ बंद लॉकअप में साथी राहुल ने बातचीत के दौरान उसको पानी की बोतल दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने राहुल के साथ अभद्रता की और राहुल को लॉकअप में बंद कर डराया धमकाया, एक कागज पर साइन करवाकर छोड़ भी दिया। इससे राहुल बहुत डर गया था और साथी किसान सुभाष व उसके पिता को जब रास्ते में राहुल ने घटनाक्रम बताया, इसके बाद राहुल को उल्टी हुई और वहीं उसकी मौत भी हो गई। बाद में राहुल द्वारा बताया गया आंखों देखा घटनाक्रम व शरीर पर निशान के आधार पर पुलिस वालों पर परिवारजनों ने आरोप लगाया था कि राहुल की मृत्यु के रास्ते में पुलिस वालों के हाथ ही हैं। राहुल की मृत्यु के 15 दिन बाद आज परिवार कलेक्टर कार्यालय के बाहर मौन धरने पर बैठ गया। परिवार की मांग है कि हत्यारे पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त किए जाएं, हमें न्याय मिले। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है क्योंकि हमारी सुनवाई SP व IG कार्यालय पर नहीं हो पा रही है। जब तक न्याय की संतुष्टि नहीं मिलती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नीलगंगा थाना वाले पुलिस वाले ने मारा तो इसलिए उसकी मौत हो गई, तो हम हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है तो इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। कलेक्टर ऑफिस कब तक बैठेंगे आप धरने पे? जब तक न्याय नहीं हमको मिले। मतलब वो शांत हुआ था, पुलिस ने उसको ज्यादा प्रदर्शन कर दिया था, यही चक्कर में वो शांत हो गए थे। और हमने सब जो IG DIG को सबको ज्ञापन भी दे दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें आज, इसलिए हम कलेक्टर साहब धरने पर बैठे हुए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे आप? हम सर न्याय मिलना चाहिए हमको, जो पुलिस ने जैसी कार्रवाई, कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक।